मैं अभिषेक बिहारी न्यूज से और आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार के पांच सबसे सुंदर झरनों के बारे में। अपने परिवार के लिए छुट्टी के लिए स्थान की योजना बनाते समय बिहार जैसे खूबसूरत राज्य की तुलना से आगे नहीं देखें। अद्भुत जगह में आपको और आपके परिवार को देने के लिए बहुत कुछ है, फिर चाहे वो सप्ताहांत भगदड़ या फिर छोटी सी यात्रा हो। बिहार में गतिविधियों और दर्शनीय स्थल विशाल हैं। बिहार में मुख्य आकर्षणों में से जो एक चीज है वो झरना है। बिहार में कम से कम आप पांच सर्वश्रेष्ठ झरने पा सकते हैं जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। बिहार के झरने अलग अलग ऊंचाइयों पर आते हैं और इससे इन स्थानों के आश्चर्य तत्व बढ़ जाते हैं। विभिन्न झरनों में पिकनिक स्पॉट और स्नान के अवसर भी हैं जो आपको तरोताजा कर देंगे। तो आपके बैग और अहम चीजों को बिहार में निकटतम झरने पर जाने के लिए पैक कर लें। बिहारी न्यूज आज पूरी जानकारी के साथ बिहार के पांच सर्वश्रेष्ठ झरनों की सूची लेकर आया है। पहला, ककोलत जलप्रपात। नवादा जिले में सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है। बिहार में ककोलत जलप्रपात ककोलत पहाड़ी पर मौजूद है। ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई 150 फीट से 160 फीट के बीच है। कुछ हिंदू पौराणिक कथाओं के जुड़ाव के कारण यह स्थान बहुत प्रसिद्ध हो गया और बहुत सारे पर्यटक इस कारण से यहाँ आते हैं। इसके अलावा कई जल गतिविधियां हैं जो इस इलाके में की जा सकती हैं। यहाँ युवा पीढ़ी के पर्यटकों को भी उत्पन्न करता है जो पानी और इसकी शक्ति के रोमांच की तलाश करते हैं। दूसरा, सासाराम के दो झरने हैं। बिहार का सासाराम दो झरनों का क्षेत्र है जिनमें से एक है धुआकुंड झरना। झरने इतने शक्तिशाली हैं कि 100 मेगावाट तक बिजली उत्पन्न करने में सक्षम है। ये क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता स्वर्गीय और दिव्य है। बहुत सारे पर्यटक प्रकृति के साथ एक होने के लिए इस स्थान पर आते हैं और प्रसन्नता का एहसास करते हैं। खास तौर पर गर्मियों के अवकाश के दौरान यहाँ पर परिवार के साथ एक दिन का आनंद लेते हैं। बिहार में खो नदी धुआकुंड झरने का निर्माण है। धुंध से बने धुएं के रंग की वजह से झरने का नाम ऐसा है। तीसरा है मंजर कुंड जलप्रपात। सासाराम में दूसरा झरना मंजर कुंड झरना है। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना धुआकुंड झरना। यहाँ से बनने वाली हाइड्रल पावर का प्रयोग स्थानीय शहर के लिए किया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार यहाँ काफी लोकप्रिय है क्योंकि ये कुछ ऐतिहासिक महत्व रखता है। त्यौहार के दौरान कई पर्यटक झरने में आते हैं तथा भाई और बहन के पर्व का जश्न मनाते हैं, जैसा कि एक मेला यहाँ आयोजित किया जाता है। ये पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षित हो जाता है। इस स्थान पर शांति के बीच आप यहाँ एक सुंदर दिन का आनंद ले सकते हैं। अपने परिवार के साथ बाहर की सैर के लिए आए जो आपको याद रहेंगे। चौथा है तेलहर कुंड जलप्रपात। बिहार में तेलहर कुंड झरना कैमूर जिले में स्थित है। ये दुर्गावती नदी के पास है और ये एक अद्भुत पिकनिक स्थल की तरफ जाता है। यहाँ की पहाड़ियों और घाटी का नज़ारा शानदार है। अपने परिवार को लाने और यहाँ कुछ समय बिताने के लिए ये एक आदर्श स्थान है। अपने खुद के स्नैक्स और भोजन के साथ साथ पानी भी लाएं क्योंकि इसके आसपास कोई भोजनालय नहीं है। तेलहर कुंड जलप्रपात आपको कुछ बेहतरीन दृश्य प्रदान करता है, इसलिए एक अच्छा कैमरा लाएं और कुछ अच्छी तस्वीरों को क्लिक करने के लिए तैयार रहें। आप मुंडेश्वरी मंदिर का भी दौरा कर सकते हैं जो पास में है और कर्माचेत बांध भी जा सकते हैं। पांचवा, करकट जलप्रपात। यहाँ एक और झरना है जो कैमूर जिले में स्थित है। ये खूबसूरत झरना एक सैर के लिए एकदम सही है। आपके पास नौका विहार, मछली पकड़ने के साथ साथ तैराकी जैसी गतिविधियां करने के विकल्प हैं। झरने के शानदार दृश्य के साथ युग्मित ये गतिविधियां आपको पूरे दिन विराम के मूड में छोड़ देंगी। करकट जलप्रपात आपको प्रकृति के साथ एक होने का संतोष देता है। दोस्तों का एक समूह लाएं तथा अपने व्यस्त कार्यक्रम से बाहर आकर एक दिन का आनंद लें, या इससे भी बेहतर अपने परिवार और बच्चों को लाएं, उन्हें बाहरी दुनिया का आनंद लेने दें और ये सब प्रकृति की पेशकश करना है। करकट वन्य जीव अभयारण्य बच्चों को लेने के लिए एक और बढ़िया जगह है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।